यहाँ पे दिख रहा हो कि हमने 30 डिग्री ले लिया है। 30 डिग्री को लेते हुए इस कोने पर रखते हुए हमने ये वाली लाइन बना दिया है। इस तरीके से यहाँ पे लाइन बना दिया है, यहाँ से ये लाइन बना दिया है सीधी 30 डिग्री पे रखते हुए। ठीक है, इस तरीके से ये वाली सीधी लाइन, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे बना दिया है, ठीक 30 डिग्री पे रखते हुए। उसके बाद इसका 10 पार्ट करेंगे। दस पार्ट करने के लिए कोई भी दूरी, इतनी इतनी कितनी भी दूरी लेके आप 12 पार्ट करेंगे। यहाँ से हमने इतनी दूरी ली थी, इतनी दूरी लेके एक इस कोने से रखते हुए एक, फिर यहाँ पे रखते हुए दो, यहाँ पे रखते हुए तीन, यहाँ पे रखते हुए चार, यहाँ पे रखते हुए पाँच, इस तरीके से हमने 12 कर लिया। यहाँ तक 12 हो गए, 12 पार्ट कर लिए, जो कि सभी बराबर ही है, ये सारे बराबर हैं, ये बराबर है, ये बराबर है। फिर इसको हमने क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इस वाले कोने से लास्ट वाले कोने पे रखते हुए और इस वाले लास्ट वाले कोने पे रखते हुए, इन दोनों को कोने पे रखते हुए क्लैंप करके एक लाइन खींच लेंगे। लाइन इस तरीके से खींच लिया हमने, इस कोने से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक लाइन हमने, ये लास्ट कोना है यहाँ का, कोने से लाइन खींच लिया। इसी तरीके से हमने ये 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 सारी लाइन इसी के समांतर इसको क्लैंप कर लिए रहना, इस तरीके से करके हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इधर उधर नहीं जाएगा, इसी के समांतर सारी लाइनें खींच लेंगे यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ से ये लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींच लेंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सब इसी के समांतर होते हुए चले जाएंगे। इन लाइन्स को बनाने के बाद इसको 0 पे सेट कर दिया हमने। 0 पे सेट करने के बाद बिल्कुल सीधे ले जाएंगे, सीधे इस तरीके से करके पेंसिल लेके सीधी लाइन बना देंगे। इस तरीके से वाली जो पिछला वाला दूसरा कटा हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसी तरीके से हमने सारी लाइन्स, ये जो यहाँ पे था इसी के समांतर ऊपर ही इसको ले गए, बिल्कुल इसे 0 पे सेट कर इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, हमने एक सीधी लाइन बना दी। फिर इसको यहाँ से कर दिया सीधी लाइन, जो कट किया था नीचे वाला यहाँ जो मिला है पिछला वाला। उसके बाद क्या करेंगे कि इसे 45 डिग्री पर सेट कर देंगे अपने डॉक्टर को। 45 डिग्री पर सेट करने के लिए क्या होगा कि 40 से 45 डिग्री के बीच में ले लेंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री ये वाली लाइन 45 डिग्री पे दिख रही होगी। अब इस 0 यहाँ से इस कोने से सेट करके फिर एक लाइन खींच लेंगे, ये वाली लाइन खींचने के बाद कितनी दूरी लेके हमने इसे, कितनी भी दूरी ले सकते हैं, हमने 10 पार्ट कर लिए, ये ऑलवेज कॉन्स्टेंट ही होता है, 10 पार्ट ही होता है, सब इक्वल है ऐसे, इस तरीके से सब 10 पार्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो कटे हुए भाग हैं उनको हमने इस वाले कोने से और इस वाले कोने से मिला दिया है, कोने से मिला के लाइन खींचते हुए चले गए पिछली बार की तरह। इस तरीके से हमने 10 को ऊपर ले गया और इनको फिर हम लोग आगे ले जाने के लिए यहाँ से हमने इसको 0 डिग्री पे सेट कर दिया है, ये वाली लाइन 0 डिग्री पे देख रहे होंगे। इस तरीके से हमने जो ये पार्ट्स मिलाए थे यहाँ पे, यहाँ पे इनको सीधे ले जाना है, इस तरीके से 10 को ले जाएंगे ऊपर जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको दूरियाँ दिखानी, ये तो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ये पूरे इतनी जो हमने ये 18 सेंटीमीटर दूरी लिया था, हमने मैक्सिमम मापने की लंबाई पहले से कैलकुलेट कर रखे थे, यहाँ से ये निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आप 0 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11, एक ये 1 जो ब्लॉक छोड़ते हैं वो पॉइंट वाली चीज़ें दिखाने के लिए छोड़ते हैं, तो सबसे बड़ी डिस्टेंस इनमें हो जाती है, इन वाले बड़े बड़े ब्लॉक्स में, उससे छोटी डिस्टेंस ये नीचे वाले में हो जाते हैं, फिर सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है इस लाइन के ऊपर वाले में हो जाते हैं। तो जो नीचे इस लाइन का 10 पार्ट के इस वाली लाइन का हम डार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर काउंट नहीं करते हैं, इस वाली लाइन को ऊपर काउंट नहीं करते हैं। इसके लिए अब क्या करेंगे, अब डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, सो क्या करना था आपको क्वेश्चन में कि 9 पॉइंट रीड क्या करना था क्वेश्चन में, रीड पढ़ना क्या था 9.37 एंड 10
10.53 तो 9.37 क्या है कि 9 यहाँ तक ले लिया, 9 ये और 37, तो इधर से 0.3 ले लेंगे, 1, 2, 3, उसके बाद 7 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से इसके बाद से गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.37 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे जिसी के सामने से एक लाइन खींच के सीधी लाइन बना के इस तरीके से 9.37 लिख देंगे। उसके बाद इसी तरीके से 10.53 दिखाएंगे। 10.53 दिखाने के लिए फिर हमने यहाँ से 10 ले लिया, 10 ऊपर ले जाएंगे ये वाली, इससे सीधी लाइन खींचा और यहाँ पे क्या दिखाना है 53, तो 5 ये नीचे ले जाएंगे और 3 पॉइंट वाली जो चीज़ें हैं उसके बाद वाली ऊपर ले लेंगे, तो 5 इधर ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आ गया। अब ऊपर ले जाएंगे कितना लेना है, 3, 1, 2, 3 इसको डार्ट कर लेंगे, इसके सीधी लाइन यहाँ तक ले जाएंगे और इससे ये दूरी दिखा देंगे, ये मीटर में है तो इसलिए यहाँ पे मीटर लिख दिया हमने, और ये चीज़ें मीटर में है तो यहाँ भी मीटर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ भी मीटर में दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये डायगोनल स्केल प्रिपेयर हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या ठीक है।